हमें पता है रिजल्ट से कर हम फिर भी रेस लगे। मेहरुद्दी बॉस कहाँ है, पासों कहाँ है भाई, थोड़ी स्लो कर ले, स्लो कर ले, 17 लाख रुपए की गाड़ी है, स्लो कर ले। ये भी तो बॉस है ना। हमदान भगा, अबे भगा, ये कहाँ है मेहरुद्दी? पासों पसंद नहीं, पासों एक मजबूरी है। यकीन करें बराबर में से मेहरान जा रही है, ऑल्टो जा रही है, पाकिस्तान टूर का गाड़ी का। हाँ हमदान भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र है। कौन सी गाड़ी है ये और कौन सा मॉडल है, कौन सी एयर की रजिस्ट्रेशन है? ये है टोयोटा पासो, पासो और मॉडल आई थिंक 12 का है और रजिस्टर 15 की। मतलब आई थिंक से मतलब मुझे याद नहीं, कंफर्म नहीं है। नहीं नहीं कंफर्म है, मतलब ये कि हाँ 12, हाँ 12 ही है। और कितने की खरीदी थी यार? ये खरीदी थी 17.5 की। 17.5 लाख की? तो 17.5 लाख में और कोई ऑप्शन नहीं ना? ऑप्शन है, जाहिर है ऑप्शन तो बहुत है। अपना करोला 1.8 मिल जाएगी 2010-11। तो फिर ये क्यों खरीदी यार? पसंद आप नहीं, फेवरेट है। पासो पसंद नहीं, पासो एक मजबूरी है। पासो एक मजबूरी तो है यार भाई, ऐसी क्या मजबूरी आई थी यार? हमारे यहाँ से ना वो पता है ना, पेट्रोल बहुत ज्यादा अच्छे प्राइस में मिलता है, फिर ये रनिंग इतनी है। अब ये जब फ्यूल एवरेज मिली है, मतलब लगा था कि लेने से पहले फ्यूल एवरेज, लगने से लेने से पहले यही सबने कहा था कि बस जैसे मुझे लग रहा था कि जहाँ मेरा 30-40 हज़ार पर खर्च होता है वो शायद 5-6 हज़ार या 10-15 हज़ार में निपट जाएगा, पर कोई नहीं आया। 40 हज़ार थे तो 15 हज़ार किसी गाड़ी में नहीं आया। हाँ मतलब उनका ये था कि दे देगी 17-18 दे देगी। 17-18 तो अभी क्या दे देगी? अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा दे रही है, 15 के करीब दे रही है। 15 के करीब दे रही है। लॉन्ग पे गए अभी तक इसमें? लॉन्ग पे, हाँ लॉन्ग पे गए। लॉन्ग पे कहाँ गए? लॉन्ग पे हम बहुत आगे गए हैं, हम गए हैं तकरीबन सिरी पाए। सिरी पाए मतलब पाकिस्तान टूर? पाकिस्तान टूर। पाकिस्तान टूर पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? पाकिस्तान टूर का या गाड़ी का? पाकिस्तान टूर का लगे चुकर बहुत अच्छा रहा, मजा आया। गाड़ी का अल्लाह माफ कर, क्यों गाड़ी ने ऐसा क्या करा? मैं बोलता हूँ, देखिए अभी हम नॉर्मल से रोड पे है ना, अब जैसे कचरा वगैरह अब हाईवे है, अब हमें 120 पे लेके जानी है। आप टाइम गिनना शुरू करें, मैं एक्सीलेटर पूरा देता हूँ। आप खींचते रह जाएंगे। मतलब पावरफुल इंजन है बहुत। कितना सीसी इंजन? 1000 सीसी। 1000 सीसी इतना पावरफुल इंजन है? इतना पावरफुल है कि कितना, बस मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरे भी एक अंदाजा, एक अंदाजा नहीं है कि जैसे अब हमें हाईवे के ऊपर 120 स्पीड रीच करनी थी, अब मोटरवे चढ़े हमें 120 पूरा जाना है। अब मैं गाड़ी को 120 पे लेके जा रहा हूँ, यकीन करें बराबर में से मेहरान जा रही है, ऑल्टो जा रही है। अब मैंने 120 से ऊपर कैमरे वगैरह लगे हुए 120 पे रखने, तो अब मुझे कन्फ्यूजन कि भाई अब, लेकिन मुझे गाड़ी में फील ही नहीं है कि 120 से पहले भी गए, पता चलती है 120 एक ऐसी स्पीड है। सही है, तो इससे पहले भी तो गाड़ी थी वो हाईब्रिड थी ना? वो हाईब्रिड थी, फिट थी। जी जी, वो बेच के खरीदी। मैं आपको गाड़ी के बारे में बताता हूँ। खैर वो ये कि इसके अंदर ये है, अब फिर पता चीज चला जी कि गूगल मैप पे जो खोला था उसमें स्पीड आ रही थी, तो उसमें स्पीड दिखा रहा था वो 75 और आप अकॉर्डिंग मीटर पे आ रही थी 120। यार ये ज्यादा क्यों गई है? अब वाकई मल्ले की कसम बिल्कुल, और क्या नाम है, तो 120 के ऊपर लाने के लिए गाड़ी का मीटर नहीं 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 भाई, गाड़ी को हम गूगल के हिसाब से 120 लाने में, क्योंकि उससे लास्ट टाइम हम फिट में 120 लेके आए गूगल के हिसाब से। हाँ वो आई 160 अबव पे, मतलब ये पूरा रास्ता डिप्रेशन में गुजरा ना। अच्छा गाड़ी का इंटीरियर कैसा है? वैसे मैं देख रहा हूँ इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या है इंटीरियर बहुत अच्छा है? नहीं अच्छा नहीं है, फिट से अच्छा है। अच्छा चलो फिट का कोई कंपैरिजन तो फिर कौन सी गाड़ी से कर? मेहरान से कर ले। क्या ऑप्शन क्या मिलेंगे? मेहरान से कर ले बेटा, नहीं करो मेहरान से कर ले। मेहरान? हाँ मेहरान। मेहरान 17.5 लाख की नहीं है, 0 मीटर। देखे वो नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा डिफरेंस भी तो नहीं है ना। जैसे कि नहीं ना यार, एसी लगा हुआ है मेहरान में, कहाँ एसी, अच्छा एसी है। ऊपर के मॉडल में है, चले आप कंपेयर कर ले, ऑल्टो से कर ले। ऑल्टो से जो नया वाला ऑल्टो है ना, नया वाला ऑल्टो उससे कर ले। अब उससे कंपैरिजन अगर करते हैं तो
ऑल्टो को थोड़ा सा आई थिंक 2-3 इंच बड़ा कर दें हर तरफ से ना, हर तरफ से बड़ा कर दें रूम बड़ा कर दें। हाँ, रूम बड़ा कर दें। और ऑप्शन और डैशबोर्ड का जो वो नहीं होता, डैशबोर्ड जो होता है खुलने वाला, वो हटा दें ऑल्टो में से। अच्छा, वो हटा दें, इसमें है ही नहीं तो अच्छा है ना, सही खुला खुला। पाकिस्तान में रहते हैं, बंदा डैशबोर्ड में रखता है कागजात मोबाइल कुछ तो रखेगा ना, मतलब एक जो हालत चल रहे हैं। तो ये खरीदते हुए नहीं देखा था ये सब क्या? अब जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑल्टो खरीद लेते हैं भाई यार, अच्छे मिलता ना 22-24 ऑल्टो में। ये था कि ऑल्टो के पैसे जो बहुत ज्यादा बढ़ गए, अगर ऑल्टो जो नया वाला लेंगे तो वो इस वक्त मिल रहा है करीब 24 के करीब मिले। हाँ, मतलब आप ये कहेंगे कि ऑल्टो ऑप्शन में था, सबने कहा ऑल्टो ले लो, फिर पासो ले लो। तो मैंने कहा चलो 500 में मैं देखने गए एक आध। हाँ। तो उसमें मुझे रूम जरा बड़ा लगा ऑल्टो के मुकाबले में, ऑल्टो के मुकाबले में 500 का रूम बड़ा एंजॉय करा मुझे काफी उस वक्त, यू नो कंफर्टेबल लगा। अच्छा, उन दिनों ने गाड़ी थी, लेट की गाड़ी चलाई, उन दिनों गाड़ी नहीं थी, उन दिनों ना एक एक दिन फील हो रहा था गाड़ी के बगैर ना। अच्छा, गाड़ी नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, 10 दिन हो गए तो फील हो रहा था कि बस गाड़ी आ जाए, बस गाड़ी आ जाए, कुछ भी देते गाड़ी आ जाए। तो फिर ये आई, अच्छा हाँ, इसमें कीलेस एंट्री है यार, ये है कीलेस। हाँ सही है, लेकिन तो कैपोच बटन भी तो होगा ना? नहीं वो है यार, कीलेस स्विच लगा हुआ है, आपको बैठ के घुमाना पड़ता है पूरा। वो ले लो ना, स्क्रू ड्राइवर ले लो। मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, मतलब आपने कीलेस एंट्री दे दी, आपने रिमोट दे दिया, पुश स्टार्ट होता, पुश स्टार्ट नहीं है। सही है, आप उसको घुमाएंगे तो फिर कुछ होगा, मेरे को ये बात मतलब समझ में नहीं आई। नहीं, अच्छा इसमें ये मुझे इसका जो है ना स्पीडोमीटर भी बड़ा जो है ना, स्पीडोमीटर ऑनेस्टली ये जैसे एक गत्ता नहीं होता और स्पीड लिख दिया, क्योंकि तुम बोल रहे हो ना स्पीड, स्पीड तो 75 से ऊपर नहीं गई, पता नहीं इतना वेट से मीटर है, मतलब चले खैर है, अल्लाह का शुक्र गाड़ी है ना, शुक्र ही नहीं करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है, मसला ये नहीं है, अलग बात है। देखो मसला ये नहीं है कि गाड़ी है, बात ये कि आपने पैसे खर्चे ना, आपने 17.5 लाख का अमाउंट है ना, ऐसा लगता है या नहीं है, या पैसा बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं बिल्कुल, 17.5 लाख रुपए हैं, 17.5 लाख के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गाड़ी खराब है, मैं ये नहीं कह रहा, आप ना शुक्री कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 17.5 लाख रुपए आप खर्च करके ये मतलब यार है अब उससे आपसे। फिर ना एक चीज बहुत ना मुझे इनोवेटिव लगी, जापानीज ने ना, जापान वाले लोगों ने बड़ा सोच समझ के किया, असल में बोलने होते हैं मुझे लगता है ऐसा। अब यार ये हैंड रेस्ट यहाँ है, अरे हाँ, ये यहाँ रखू तो ये किस लिए दिया? मतलब अगर आप यहाँ से शॉर्ट में दिखा सके, मैं हाथ नहीं पहुँच रहा मेरे यहाँ, क्यों है? मतलब मैं यूँ रखूँ तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस बात से कुछ समझ नहीं आया। तो कर लो ना कुछ, खुद भी एडजस्ट कर लो हर चीज, गाड़ी है ना कंफर्ट। अरे तो करना पड़ रहा है ना, अब कैमरे यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, बंदा पूरा ना कर देखो, अंदाजा होता है ना, हमें अमूमन यहाँ पे आ जाता है कि ये हाथ के साथ होता है, अब वो बंदा यहाँ ढूंढता रहे कि भाई ये आगे गए पीछे गए कहाँ है क्या नहीं है, समझ नहीं आता। क्रिएटिव लोग हैं वो, तुम भी मतलब कुछ एडजस्ट। और ये ऊपर से ये साइड में रेस्ट वाला, अच्छा इसमें ऑप्शन है ड्राइविंग के, ऑप्शन है सामने दिखा देंगे कितना कितना लग रहा है, 100 की स्पीड है। हाँ सही है, 100 100 क्या हो गया हमारी गाड़ी तो 100 बता रही है ना, यही तो समझ नहीं आता। मैं इसका नहीं पकड़ पा रहा, मैं स्पीडोमीटर नहीं आ पा रहा यहाँ से, हम बैठे हुए नहीं ले पा रहे स्पीडोमीटर। रूम बहुत बड़ा है ना इसका, बकौल तुम्हारे यार, रूम नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है, हेडरूम बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा है, हेडरूम की जगह इन्होंने हेडरूम इतना ज्यादा कर दिया लेकिन कुछ और कम कर दिए, हर चीज खा गए ना बदले के, बदले में सब चीज खा गए। अच्छा अभी ये कि आप जंप पे सो गुजार लें, वो अभी गुजारेंगे, मतलब ट्राई कर लेंगे तो आपको, मतलब अभी वो रोड क्लियरेंस टेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छा, और इसकी रेंज भी कराएंगे। इस कॉम्पिटिशन में FX रहेगी? नहीं FX ही यार, क्या हो गया मतलब FX अगर हम दो दफा नहीं, FX सर काफी सारी आ जाएगी, 17.5 लाख प्रोटोकॉल बन जाएगा, 5 FX आगे, 5 PFX पीछे, 4 साइड में, 4 इस साइड में, FX का प्रोटोकॉल बन जाएगा अगर
लेकिन यार गाड़ी माशाल्लाह से मैं कहता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो लॉन्ग पे क्या एवरेज दी है इसने? लॉन्ग पे तो अच्छी एवरेज दी होगी ना, मतलब इन सिटी तुम बोल लो 15 दे दी। तो आपको क्या लग रहा है क्या दिया होगा लॉन्ग पे? एटलीस्ट 18 तो देना चाहिए, 18 नहीं तो 17 18। लॉन्ग पे खेचना पड़ा ना इसको। लॉन्ग पे खेचना 15-16 का एवरेज दे रही है यार, जब तो 660 भी नहीं है ना, 1000 है ना, 1000 सीसी तो फिर इतना अंडर पावर इसने एवरेज, पता नहीं क्यों इतना बहुत ज्यादा है। वेट्स का इंजन लगा हुआ है इसमें तो सेम एज इट इज वेट्स का यही इंजन है, मुझे तो बहुत अंडर पावर नॉर्मल रिम्स है, ब्लैक वाले जो होते हैं ओल्ड रिम्स है। और क्या नाम है कंपनी फिटेड ऐसा मैं काली चली भी कम थी ना जब हमने ली है। कितनी चली? मैंने ली थी 49,000 पे और अभी और मैंने पूरे महीने में अराउंड 58,264 कर दिया, 8-9,000 चला ली महीने में, एक महीने में 8-9,000 चला दी। बहन क्यों रुक के मैम यहाँ पे? गाड़ी का व्लॉग करना है, क्या करना है हम लोग? मुर्तजा का वेट कर रहे हैं। मुर्तजा का क्यों वेट कर रहे हैं यहाँ पे? क्या उसके पास असल ना वो है मतलब पावर है, मतलब द रियल कार ऑफ पाकिस्तान है, द रियल कार ऑफ पाकिस्तान है। और फिर उसके बाद तुम रेस लगाओगे उससे? यार वो हमें पता है रिजल्ट्स अगर हम फिर भी रेस लगे, रिजल्ट्स हमें पता है मतलब, और फिर भी हम रेस लगाएंगे तो देखते हैं हमारी रेस कैसी रहती है। और रमदान के 17.5 लाख रुपए का आज क्या होता है अंगन? मतलब यार व्हाट इज दिस यार, प्लीज यार प्लीज एक्सप्लेन मी भाई। देखिए लेगेसी होती है ना हर चीज की, भाई कोई एक बंदा है जो यू नो मैं कह सकता हूँ, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा लोग है ना जो यार जैसे टीचर्स होते हैं हमारे उस्ताद हैं, वो भले कहीं गलत भी हो या यू नो मतलब वो जाहिर आके उस्ताद उस्ताद। अच्छा तुम्हें मैंने मना करा था ये गाड़ी लेने से? तो मना किया गया है उसके बावजूद इस शख्स ने ये गाड़ी ली। अच्छा लेकिन मार्केट तो अच्छी हो गई है ना? मार्केट तो अच्छी हो गई, यहाँ पैसा डिवेल्यू की अलग बात है, लेकिन पैसा डिवेल्यू वो एक अलग बात, मतलब इसमें भी गाड़ी का क्रेडिट नहीं जा रहा। गाड़ी तुम ये कहना चाहते हो जितने पैसे गाड़ी बेच के मिलेंगे सही होते में, मेरे ख्याल पहले ऑल्टो ही आ रही थी, अब शायद वो भी ना है, और भी कुछ कमी आएगा अल्लाह खैर करेगा। हाँ तो भाई इसके साथ ही पासों का टेस्ट करने आए हैं। और रमदान जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी रमदान, बोल तो ले मुंह से पर नहीं जाएगी भाई, टेढ़ी करके भी नहीं जाएगी। जाएगी लगेगी फिर जाएगी? नहीं जाए नहीं लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी। आप शर्त लगा ली? लगेगी, लगा ली शर्त। सही क्या देंगे ये बताए लगेगी 17.5 लाख रुपए की गाड़ी। चलो Are you ready? Ready? मेहरू दी बॉस कहाँ है? पासो कहाँ है? हमदान भगा। और क्या करूँ और कितनी भगाऊ? नहीं भगा वो भगी तो नहीं रही। कहाँ है मेहरू? और तो सब पासो कहाँ है? पीछे बॉस को स्लो कर लो। हमदान रेस है हमदान, भाग नहीं रही, क्या करूं खुद बैठ जाओ, भाग नीचे उतर के धक्का मार। ये जा रही वो जा रही आपकी गाड़ी, 17 लाख रुपए जा रहे हैं आपके। बस 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 जीत गई भाई, जीत गई 500 जीत गई। तो भाई ये थे हमदान भाई के 17.5 लाख रुपए, जिसकी रोड क्लियरेंस दिखाई, जिसकी आपको इंजन पावर दिखाई। यार रूम तो बड़ा है ना? हाँ रूम बड़ा है गाड़ी का, और गाड़ी में बहुत ज्यादा फीचर थे जिसपे हम बात नहीं कर सके, क्योंकि इतने ज्यादा फीचर थे वो बताते बताते हमें रात हो गई है। अब यहाँ पे खत्म करता हूँ वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।